हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं का सिलेबस के बारे में। पहले हम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। तो आओ देखते हैं क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें देखेंगे हम प्रायोगिक अंक हमारे होते हैं 30 नंबर के, फिर सैद्धांतिक ये हमारे होते हैं 56 नंबर के, और इसी के साथ सत्रांक ये होता है 14 नंबर का। इस प्रकार से टोटल केमिस्ट्री सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं कि जो ये 30 नंबर का है ये तो प्रैक्टिकल मार्क्स है, 56 नंबर का है ये हमारी थ्योरी है, और जो ये 14 नंबर है ये हमारे 17 अंक है जो विद्यालय के बेसिस पर भेजे जाते हैं। इनमें से भी कई डिफरेंट, जैसे 14 नंबर है ये हमारे हो गए हाफ ईयरली एग्जाम, फर्स्ट सेकेंड टेस्ट और हमारी अटेंडेंस, इनके आधार पर भेजे जाते हैं। और जो हमारे ये थ्योरी के 56 नंबर हैं, इन 56 नंबरों के हमारी केमिस्ट्री में 17 चैप्टर हैं जिनका हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं केमिस्ट्री का, उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इधर देखिएगा, इधर मैं लिख लेता हूं पाठ का नाम और इधर प्रत्येक चैप्टर कितने अंक बाहर का है वो। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है अपना ठोस अवस्था, ये है 3 नंबर का। सेकंड चैप्टर है अपना विलयन, ये भी 3 अंक का है। थर्ड चैप्टर है वैद्युत रसायन, ये 4 अंक का है। फोर्थ चैप्टर है अपना रासायनिक बल गतिकी, ये भी 4 अंक का है। चैप्टर नंबर फिफ्थ है अपना ट्रस्ट रसायन, ये भी 4 अंक का है। सिक्स नंबर है तत्वों का निष्कर्षण व सिद्धांत, ये 2 अंक का है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक तत्व, ये 4 अंक का है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8वां है अपना डी व ए ब्लॉक तत्व, ये 3 नंबर का। इसके बाद 9वां चैप्टर है उपसह संयोजक यौगिक, ये भी 3 नंबर का। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलोजन, व्युत्पन्न, ये 4 अंक का है। चैप्टर नंबर 11
ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इन तीनों कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक क्रियात्मक समूह सेकंड। इसमें हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड पार्ट। इस प्रकार से 12 चैप्टर हो गए। इसमें से देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये तो हमारा होता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट कहने का मतलब जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वो इन 4 चैप्टर से आएगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह ये है 3 अंक का। इसके बाद 14 नंबर चैप्टर है जैव अणु, ये भी 3 अंक का है। इसके बाद 15 नंबर चैप्टर है अपना बहुलक, ये भी 3 नंबर का है। 16 चैप्टर है त्रिविम रसायन, ये भी 3 नंबर का है। और लास्ट अपना 17वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, ये भी 3 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल 17 चैप्टर हमारे टोटल 56 अंक के होते हैं। ठीक है, ये हमारा कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, हम प्रत्येक चैप्टर का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का सिलेबस। इससे आगे हम प्रत्येक चैप्टर का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। उसके लिए आप अगले डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन करने के लिए देखिएगा।